الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से हमारा छठा सबक चल रहा है जिसमें हमने नाकिस वावी के दो अबवाब दायदु और बदायदु से मुकम्मल गिरदान पढ़ी थी और कुछ सीगों में जो तब्दीलियां होती हैं जिन कवायद के तहत होती हैं वो भी कुछ पढ़े हैं। अगरचे अभी हमारा जब एक सबक बाकी रह गया उसके बाद एक दिन जितनी भी कायदे हम उनको इलादा एक सबक में मुकम्मल तौर पर दोहराएंगे, दोबारा उनको रिवाइज करेंगे और लिख करके भी साथ, ताकि आसानी हो। और कुछ सबका स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में लिखे हैं वो भी फिर आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। आज हम कुछ और अफाल से नाकिस की गिरदान पढ़ेंगे ताकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो बाकी अल्फाज को भी हम आज देख लें। तो दायदु की गिरदान है जो ये स्लाइड हमारे पास है, माजी मुजारे अमर नहीं इसम फाइल इसम मफूल, बिल्कुल इसी को फॉलो करते हुए हम कुछ अफाल से मजीद गिरदाने पढ़ेंगे। और उसमें जितनी भी अफाल हैं चाहे दो हों, 10 हों, 100 हों, लाखों में भी आ जाएं, पैटर्न यही होगा, तरीकाकार और सीगों की शक्ल सूरत तब्दीली वही होगी जो हम पढ़ चुके हैं। हम अपने हमारे पास यहाँ कुछ आयात हैं और नाकिस वावी की मिसालें हैं मजीद। सबसे पहले दाइदु हम पढ़ चुके हैं, पुकारना बुलाना आवाज देना। बदायदु जाहिर होना पढ़ चुके हैं, तलायतलु तिलावतन इसकी भी कुछ अफाज से मशक कर चुके थे। तलायतलु इसके दो माने आते हैं, जहां पहले हमने पढ़ा तलायतलु तिलावतन अगर इसका रूट वर्ड और मस्दर हो तो इसका माना होता है तिलावत करना, और तलायतलु तिलवन अगर इसका रूट हो तो इसका माना होता है किसी के पीछे आना, पीछा करना किसी के, उसके आसार पे चलना। अगला फेल है खला यखलु, खला यखलु बिल्कुल दायदु तलायतलु की तरह खा लाम वाउरफिया तनहा होना। और बला यबलु ये आखिरी लफ्ज है, आजमाना आजमाश में डालना, बा लाम वाउ रुफेस्तियां हैं। तो बला यबलू बलानो खला यखलू खिलवतन हो या तलायतलु तिलावतन या तलायतलु तिलवन बदा यब्दु बुदुवन दायदु दुआअन, कोई भी हो फेल माजी मुजारे और हमने रूट यानी मजदर तीनों पढ़े हैं। सबसे पहले दायदु कुछ आयात में इनका तर्जुमा भी देख लेते हैं और देखते हैं पहचानना आपने कि सीगा कौन सा है, वाहिद मुजाकर का है, मोनस का है। सबसे पहली चीज देखें सीगों में, अब जो है इसका तरीका निकालने का समझिएगा। सबसे पहले कोई भी लफ्ज आप कहा जाए कि इसको आप एनालाइज करें, इसको इसकी तशरीह करें, इसकी तफसीर करें, तो सबसे पहले किसी भी लफ्ज में उसकी जो चीज बयान की जाती है वाहिद तस्निया जमा में से, कि ये वाहिद है तस्निया जमा है। दूसरी चीज जो उस लफ्ज की दूसरी चीज जो आपने बतानी होती है कि वो लफ्ज मुजक्कर है या मुअन्नस है। तो पहली चीज वाहिद तस्निया जमा दूसरी में से क्या है, एक होगा, दूसरी मुजक्कर है या मुअन्नस है। फिर उसके बाद तीसरी चीज जो बतानी है कि ये गायब है, हाजिर है या मुतकल्लम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में से क्या है। ये तीन चीजों में से सबसे पहले ये तरतीब से आपने बतानी है, पहले आदत वाहिद तस्निया जमा में से, दूसरे नंबर पर आपने मुजक्कर या मुअन्नस, तीसरी नंबर पर आपने बताना है कि यह गायब है, हाजिर है या मुखातिब है। फिर उसके बाद आगे फेल की कौन सी किस्म, फेल माजी है, फेल मुजारे है, फेल अमर है, फेल नहीं है, इसमें फाइल है, इसमें मफूल है, फिर ये चौथे नंबर पर आप बताएंगे। दा पुकारना, हुना लेका उस मौका पर, दा जकरिया दा, थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप इसका माना समझ सकते हैं, और रब बहु इस पूरी आयत का यानी दा हम पढ़ चुके हैं, जकरिया दुआ का माना दुआ भी कर सकते हैं, पुकारना भी कर सकते हैं, और रब बहु तीनों लफ्ज आसान है कर सकते हैं। बदा यब्दू माना जाहिर होना, बल बल्कि बदा अभी यहां हमने पढ़ लिया, लहुम लहू लहुमा लहुम ये भी पढ़ चुके हैं हम। अब बगैर उर्दू तर्जुमा देखे हुए आप एक एक लफ्ज पर गौर करें तो आप इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तला यतलू तिलवन पीछे आना, वल कमरी और कसम है चांद की, इदा जब, तला वो पीछे आता है, हा उस सूरज के, क्योंकि सूरज के चांद पीछे आता है और आखिर में जाके सूर्य उरूग हो जाता है और चांद वहां रह जाता है, तो हम कहते हैं ये पहली रात का चांद है। खला यखलू खिल वतन
खिलवत में जाना, जुदा होना, तन्हा होना। वह इदा और जब, खला खला, खलावा खलाऊ, जब वो तन्हा होते हैं, बादहुम उन में से बाज, इलाद हो जाते हैं, आप सल्लम की मजलिस से जुदा हो जाती हैं। बला यबलू बला, आजमाना आजमाश में डालना, बलऊना बला बलवा बलऊ, बलऊता बलऊतुमा बलऊतुम, बलऊतु बलऊना, दाऊतु दाऊना, बलऊ तलऊतु तलऊना, खलऊतु खलऊना, सब के एक ही माजी, बलऊना दाऊना तलऊना, हमने आजमाया, हम पढ़ चुके हैं उन सबको, बिल हसनात व सैयात, हसनात नेकियां, सैयात बुराइयां, एक माना, बिल अल हसनात नेमतें, असैयात तकलीफें। तो यहां इन दोनों का माना करेंगे, हसनात का माना नेमतें और सैयात माना तकलीफें, कि उनको आजमाइश भलाई अच्छी चीजों के साथ भी हुई, यानी नियामतों के साथ भी, और हालात तकलीफ मसाइल के साथ भी हुई। तो इनमें से एक लफ्ज है, इसकी हम माजी मुजारे अमर नहीं से फाइल का पहला पहला सीगा तो तकरीबन पहले तीन हो चुके हैं, इनका पढ़ते हैं। खला माजी मुजक्कर, खलत, और क्योंकि पहली छह सीगों में तब्दीली होती है उसके बाद में नहीं होती, खला खलावा खलाऊ, उसके बाद आसान हो गया, खलाउता खलाउतुमा खलाउतुम खलाउतु खलाउना, खलत खलता खलाउना, खलाउती खलाउतुमा खलाउतुना खलाउतु खलाउना, आसान है। बला भी बिल्कुल ऐसे ही है, बला बलावा बलाऊ, दा दावा दाऊ, बला बलावा बलाऊ, आगे आसान हो गया, वाव आ जाएगी, बलौता बलौतुमा बलौतुम बलौतु बलौना, बलत बलता बलौना, आगे इस तरीके से चलेगा। मुजारे क्या होगा, यखलू वाद मुजक्कर, तखलू वाद मुअन्नस, और अमर जैसे उदऊ था, उखलू लाम पर पेश, उबलू लाम पर पेश, उतलू, बल्कि अगर देखा जाए ताला, इसका भी इन तीनों में जरा बराबर फर्क नहीं है, ताला खाला बाला, क्योंकि इसका पहला रफ ता है, इसका पहला रखा है, इसका पहला रबा है, उसके बाद अगले तीनों में इसका दूसरा रफ लाम, इसका भी लाम, इसका भी लाम, इसका भी आखिरी रफ वाओ, इसका भी इसका वाओ, तीनों सेम है। अगर तला या तला तिलावतन, इसकी पूरी गिरदान, तला तलावा तलाउ, तलाउता तलाउतुमा तलाउतुम, तलाउतु तलाउना, तलत तलाता तलाउना, तलाउती तलाउतुमा तलाउतुन्ना, तलाउतु तलाउना, खलाउ बिल्कुल बलाउ, क्योंकि आखिरी दोनों अरुज सेम है। यतलु यतलुआने यतलूना, ततलु ततलुआने ततलूना, अतलु अतलु नतलु, तत्लु तत्लुआने यतलूना, तत्लीना तत्लुआने तत्लूना, अतलु नतलु। इस तरह अगर बला को पढ़े तो ये भी होगा, यबलु यबलुआने यबलूना, तबलु तबलुआने तबलूना, अबलु नबलु, तबलु तबलुआने तब यबलूना, तबलीना तदईना की तरह, तबलुआने तबलूना, अबलु नबलु, सेम है। अगर अमर पढ़े तो उतलु उतलुआ, उतलू उतली उतलुआ, उतलूना, लाततलु लाततलुआ लाततलु, लाततली लाततलुआ लाततलूना। इसे फाइल, तालिन खालिन बालिन, तालिन तालियाने तालूना, तालियतुन तालियताने तालियातुन, तिलावत करने वाला एक मर, तिलावत करने वाली एक और, तालियतुन, और तिलावत की मतलुवन मदउवन की तरह, मतलुवन मतलुवाने मतलुवुना, मतलुवतुन मतलुवताने मतलुवातुन, मखलुवन मबलुवन, शद के साथ। हमारी कल सिर्फ इस मफूल में कि क्या तब्दीली होती है ये रह गया था, थोड़ी देर के लिए इसको देख लेंगे।
इसमें फूल में क्या तब्दीली होगी, कैसे होगी, उसको एक मतलब देखिएगा। हमारे पास मदरुवन, मतलुवन और मबलुवन, ये तीन लफ्ज हैं। सबसे पहले एक नंबर पे आ गया मदरुवन, दूसरे पे आ गया मतलुवन, तीसरे पे आ गया हमारे पास अब इनमें क्या तब्दीली होती है, कैसे होती है। अब सबसे पहले देखिएगा यहाँ दो वर्ब जमा हो गए, और कायदा ये है कि जब दो हर्फ एक तरह के कहीं भी आ जाएं तो उस दोनों को एक करके उनके ऊपर शर्त डाल दी जाती है और कुछ भी नहीं किया। ये पहली तीनों जगहों में ये वाव साकिन है, यहां पर भी ये वाव साकिन है, यहां पर ये वाव साकिन है, यहां पर ये वाव साकिन है, और टोटल ये दो वाव हैं, ये यहां पर भी, ये दोनों एक तरह के रूप में। लिहाजा इनमें से एक को लिख करके फिर ऊपर शर्त डाल देंगे, ये कायदा है, इसको कहते हैं इदगाम का कायदा। तो ये बन जाएगा मदरुवन। अब सिर्फ ये है कि थोड़ा सा हमें इसके साथ शर्त का मामला करने का, मदरुवन मत लुवन, उधर पढ़ते थोड़ा मत करके मत लुवन मदरुवन, लेकिन अब इदगाम के बाद अब लंबा खींच के नहीं पढ़ेंगे, मदरुवन मत लुवन, क्योंकि अब डायरेक्ट इसके साथ हो गया ये। तो ये इसमें फूल थी जो कल लास्ट सबक में हमें रह गया था कि इस मफूल को कैसे हमने शॉर्ट किया और किस तरह उसके ऊपर शाद आई, तो ये शाद इस तरीके से आई, इसी तरह के ये बन जाएगा मबलुवन मबलुवन, आखिर में ये शाद आ जाएगी। तो ये है इसमें मफूल। देखिए जमा मुजक्कर का सीगा आ गया मदउऊना, यहां तक ये मोनस वाहिद है, आखिर में हमने क्या किया है, ये वही वाहिद का सीगा है, आखिर में हमने ये ऊना जमा वाओ नून की जमा की अलामत लगा दी, ये था मदरुवन। ठीक यहाँ अगर हम इस पर वो लगा देते हैं तनवीन तो ये सिंगुलर बन जाएगा, ये मदरुवन, और इसी को अगर जमा बनाए तो वाओ नून लगा दिया तो मदरुवुना हो जाएगा ये। जी तो अब यहां मदउवतन, क्योंकि आखिरी अरब जो है ये ता है, तो इस पर आगे मदउवतन, आखिर में तनवीन आखिर में चली गई है। जी अब वही हमारे पास अल्फाज हैं पांच के पांच, लेकिन दआ यदउ तलब करना, बुलाना, पुकारना, बदा यब्दू माजी मुजारी की दोनों को सीगे लिख दिया, तला यतलू तिलावतन तिलवन, पीछे आना तिलावत करना, दो इसके रूट हैं, दो मजदर हैं, दोनों के लिहाज से माना बदल जाता है, खला यखलू खिलवतन तनहावना, बला यबलू बला अन आजमाना। सबसे पहले आयात का तर्जुमा देखिएगा, वदउ, मेरे ख्याल में अब ये इतना आसान हो चुका है कि अब इस से हर लफ्ज का तर्जुमा आप कर सकते हैं, इसलिए मैं अक्सर अल्फाज पढ़ूंगा, तर्जुमा नहीं करूंगा, कोशिश करें आप, अगर नहीं आता होगा तो उर्दू साइड में आप देख सकते हैं। अब उसके बाद अगला लफ्ज है वदउ, असल में क्या था, वाव को अगर हटा दें तो ये क्या लफ्ज बनेगा, वाव को हटाकर पढ़ेंगे तो उसको क्या पढ़ना पड़ेगा, उदा नहीं उदुआ नहीं होगा, ये होगा उदउ, जमा का सीगा है, वाहिद का है, तस्निया का है। देखें ये चार चीजें, सबसे पहले वाहिद तस्निया जमा सीगा में देख रहे हैं, दूसरे नंबर पर मुजक्कर है मुअन्नस है, तीसरे नंबर पर ये हाजिर गायब वगैरह में से क्या है। तो अब देखें उदउ, वाव को हटाकर पढ़े तो ये उदउ उदउ उदउवा उदउ, एक नंबर एक ये जमा का सीगा है, दूसरा नंबर पर ये दाया से इशारा, ये मुजक्कर का है, और तीसरे नंबर पर ये मुखातब है, हाजिर का सीगा, जी वदउ पुकारो शुहदा अकुम, शुहदा माना होता है मददगार, शुहदा के भी बहुत से मान किए जाते हैं, यहां माने इसका मददगार, कुम आप पढ़ चुके हैं, मिन दून इल्ला मिन भी पढ़ चुके हैं, दूना भी पढ़ चुके हैं, लफ्ज जलाला का माना हर एक को आता है, तर्जुमा आप आसानी से कर सकते हैं, कद यकीनन बदत बदत तलत दाअत, कौन सा सीगा है माना कर सकते हैं आप, अलबगदा बुगज कीना, मिन
माना पढ़ चुके अफवाह, ये जमा है फूहन की, मुंह, हिम जमीर पढ़ चुके हैं, वह अंतुम पढ़ चुके हम, तत्लूना यतलू यतलुवानी यतलूना, तत्लू तत्लुवानी तत्लूना, अल किताबा अफला ताकिलून, बस क्या तुम अक्ल नहीं रखते, ताकिलून अफला भी पढ़ चुके हैं, ताकिलून भी पढ़ चुके हैं, याकिलो याकिलानी याकिलूना, ताकिलो ताकिलानी ताकिलूना, कौन सा सीगा है। वैदा खलऊ, वैदा खलऊ इला शयातीनहिम, और जब वो इदा खलऊ जब वो इलादा होते हैं अपने शयातीन के पास, खला यखलू खिलवतन जुदा होना तनहा होना। आखिरी आयत है बला यबलू, जो शायद मुझे नजर नहीं आ रही, बला यबलू माना आजमाइश में डालना। जी ये वही पुराने फेल जो पहले पांच हम पढ़ चुके, उसके बाद आगे नए आए हैं, आफा या अफू, अफूवन माफ करना, नाके से वावी है, नजा यंजू निजातन निजात पाना, निजात पाना, आला या अलू उलूवन सरकशी करना, रजा यर्जू रुजूवन उम्मीद रखना, महा यमहू ममहन मिटाना। अब ये पांच लफ्ज हैं जी, तो इसकी सबसे पहला लफ्ज है जी, डॉक्टर आलिया साहबा आप अपनी माइक ऑन कीजिएगा और गिरदान पढ़िएगा आफा से माजी की। जी बिस्मिल्लाह कीजिएगा। अफा से पढ़ूं? जी जी अच्छा माजी है, अफा अफवा अफो, अफोता अफोतुमा अफोतुम, अफोतु अफोना, अफत अफता अफोना, अफोती अफोतुमा अफोतुन्ना, अफोतु अफोना। ठीक है जजाकल्ला जी। डॉक्टर शास्त्र साहब आप नजा यंजु आफा याफु नजा यंसु से मुजारे की किरदार पढ़िएगा। नजा यंजु यंजु यंजुवानी यंजुना, तंजु तंजुवानी तंजुना, अंजु नंजु तंजु तंजुवानी यंजुना, तंजुना तंजुवानी तंजुना, अंजु नंजु। एक गलती की है मोनस के अंदर, मोनस में वायद मोनस का सिगा, जैसे तंजु तंजुआनी यंजुना तंजीना तदईना। जी तंजीना, सॉरी सॉरी, तंजीना तंजुआनी। डॉक्टर नाइस साहब आप पढ़िएगा इसी से आला या आलू से अमर की गिरदान। जी अमर उलू उलुआ उलू उली उलुआ उलूना, ला तालू ला तालुआ ला तालू ला तालुआ ला ता ला तालुआ ला तालू ला ताली ला तालुआ ला तालीना, नहीं ला तालूना। जी बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर शाहिना कुरैशी साहिबा आप इससे इसमें फाइल और इसमें फूल पढ़िएगा राजा यरजू से। जी शायद उनके माइक की आवाज नहीं रही जी। डॉक्टर शबीन नाज साहब आप पढ़िएगा। राजा से जी राजिन राजे आनी राजे ऊना राजू राजू ना राजे तुम
राजयतुन राजयतानी राजयातुन और मरजून मरजुआनी मरजूना मरजुअतुन मरजुअतानी मरजुआतुन। बहुत अच्छा जी, आगे गिरदान पढ़िएगा आफा या फू से महायम हुसे माजी की शाजिया खालिद साहब। पहले माजी उस्ताद जी। जी पहले माजी महा के मालूम मिटाना महा महावा महौ महौता महौतुमा महूतुम महूतु महूना महत महता महौना महौती महौतुमा महूतुन्ना महूतु महौना। जी बिनते रहमान मुजारी की किरदार सुनाइएगा इससे यमहु। डॉक्टर ताहिरा खलीक साहब आप पढ़िएगा मुजारी की किरदार। यमहु यमहुवानी यमहुना तमहु तमहुवानी तमहुना अमहु नमहु तमहु तमहुवानी यहमुना तहमीना यमहुना तहमीना जी तमहीना 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 तमहुवानी तमहु तमहुना अमहु नमहु। जी मौनस एक दफा फिर सुन लीजिएगा तमहु तमहुआने यमहुना तमहीना तमहुआने तमहुना अमहु नमहु। एक सीगा बाद मौनस का इंतमाम में आएगा ताफीना तंजीना तालीना तरजीना तमहीना। ये एक सीगो के जहन में रखिएगा ये वायद मौनस का सीगा। इसी से फिर एफी इनजी एली इरजी इमही वायद मौनस अमर का सीगा बनेगा। जी आज ये हमारे तकरीबन अफा याफू जी आयात में भी एक दफा इनका माना कर लेंगे आफा माफ करना व आफा आइनकुम तर्जुमा आप खुद कर सकते हैं आइनकुम का माना पढ़ चुके हैं हम। नजा निजात माना वकाला और कहा अल्लदी उसने नजा एक वाहिद मुजक्कर का सीगा दोनों में से आला या आलू सरकशी करना इन फिरऔना पढ़ चुके हम आला फिल अर्ध आसानी से तर्जुमा कर सकते हैं इसका। रजा यरजु उम्मीद रखना वतरजूना वतरजूना मिनल्लाह मा ला यरजू तर्जुमा आसान है जब उम्मीद रखना यहाँ पढ़ चुके हैं तो इस आयत का तर्जुमा तो बहुत आसान हो गया। महायमहु हाँ ला का माना है नहीं तो यरजू ला यरजू नहीं महायमहु मिटाना फमहौना आयत अल्लैल आयत माना निशानी रात की निशानी महौना हम पढ़ चुके हैं। अफा याफू नजा यंजू आला यालू रजा यरजू महायमहु। आज का होमवर्क यहाँ सुनते जाइएगा आफा याफू और नजा यंजू से मुकम्मल गिरदाने आपने सुनानी है माजी मुजारे अमर नहीं सिफारिश मफूल मुकम्मल और लिखना भी इनमें से रजा यरजू से लिख लीजिएगा रजा यरजू से लिख लीजिएगा बहुत टाइम है हफ्ता अतवार आगे तीन दिन है अगली चार दिन है बल्कि क्लास के लिए तो ये आपके पास आफा याफू नजा यरजू मुकम्मल सुनाने के लिए रजा यरजू ये मुकम्मल लिखने के लिए है। जी ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ثم फिर عفونا बिल्कुल आसान है عفونا عنكم من بعد ذلك من भी पढ़ चुके हैं बाद भी पढ़ चुके हैं ذلك इसके نجوت من القوم الظالمين من पढ़ चुके हैं قوم आसान है ظالمين ظالم इससे फाइल का जमा है पढ़ चुके हैं वाला आला लाम ताकीद के लिए और यकीनन आला बादहुम आला बादिन उन बाज भी पढ़ चुके आला बादिन ये भी पढ़ चुके हैं। उलाइका वो लोग यरजूना यरजू यरजवानी यरजूना रहमतुल्लाह यमहुल्लाहु मा यशा वाहिद का सीगा यमहू यमहुल्लाहु मा यशा अल्लाह चाहते हैं जिसको मिटा देते हैं।
जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टाइम है, इसके बाद क्योंकि दूसरी क्लास नहीं है लिहाजा आप अपने अपने ग्रुप ज्वाइन करें और इस माजी मुजारे अमर नहीं अच्छे तरीके से एक दूसरे को सुनाएं। आपके पास वक्त है, उस वक्त तक ब्रेकआउट अपने अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सुभान अल्लाह।